गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के उस्ताद बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सोशन हिल ने। और बिफोर टेलिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू रीड समथिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर गार्डन। तो गाइस, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्ले है जिसमें एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय मिलते हैं, एक गार्डन में मिलते हैं, ठीक है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डिफिएंट। तो जो ओल्ड मैन होता है वो ट्राई करता है उनके साथ कोई फ्रेंडशिप बनाने की, क्यों, उस बंदे के साथ जो बहुत ज़्यादा डिफिएंट का मतलब होता है स्टबॉर्न, मतलब ज़िद्दी। जो लड़का बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी था और थोड़ा सा विद्रॉन टाइप का, शर्मीला। वट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, ऐसा क्या था जो दोनों को एक करता है, यानी कि दोनों की फ्रेंडशिप करा देता है इस स्टोरी में। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उनका नाम मिस्टर लेम है, ठीक है, और जो बच्चे का नाम है उसका नाम है डेरी। तो सबसे पहले हम लेम और डेरी के बारे में बता देते हैं। लेम एक बूढ़े आदमी हैं जो कि अपने गार्डन में बैठे हुए हैं। ये सीन है, इसमें पहला सीन है। तो लेम का जो पैर है वो टीन का बना हुआ है और जो डेरी का जो एक साइड का जो चीक है ना, चेहरा, वो जला हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों पे ये दोनों लोग इसी भी ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं इन लोग की फ्रेंडशिप किस तरह से बनती है और कैसे एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। सो चलो लेट स्टार्ट। सीन वन में क्या बताया जा रहा है, मिस्टर लेम्स गार्डन, सीन है मिस्टर लेम गार्डन का, ठीक है। देयर इज द ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड्स सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लीव्स रसलिंग। तो उनके गार्डन में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बर्ड्स सॉन्ग, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही हैं, चिरपिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और जो ट्री के जो लीव्स हैं वो रसलिंग कर रही हैं, ठीक है, रसलिंग की आवाज़ आ रही है। डोरी क्या होता है, फुट स्टेप्स आर अहेड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रेस। जो डेरी होता है वो गार्डन के अंदर आता है और घास, जो लंबी लंबी घास होती है उसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गार्डन के अंदर आ जाता है। ही पॉजेस, वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर वो चलने लगता है। ही कम्स अराउंड द स्क्रीन ऑफ बशेज सो दैट मिस्टर लेम स्पीक्स हिम, ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज़ स्टार्टेड। तो यानी कि होता क्या है, जब ये मिस्टर लेम के करीब आ जाते हैं तो मिस्टर लेम आवाज़ लगाते हैं, यानी कि इनसे बोलते हैं, ठीक है, माइंड द एप्पल्स, क्या बोलते हैं, माइंड द एप्पल्स, कि भाई एप्पल्स को देखकर, क्योंकि जहाँ ये डेरी गए थे वहाँ पर मिस्टर लेम बैठे हुए थे, और मिस्टर लेम के पास एक एप्पल का पेड़ था जो कि कच्चे थे, और उन्हें ये लगा कि कहीं ये ना हो कि ये कच्चे जो एप्पल्स हैं उनको तोड़ लें, और कुछ एप्पल्स हवा के झोंके से शायद नीचे गिर पड़े थे, तो उन्हें ये लग रहा था कि इसके इनका पेड़, डेरी का पेड़ जो है ना, पेड़ किस पे पड़ जाएगा, एप्पल पे पड़ जाएगा, तो हो सकता है स्लिप होकर ये गिर भी पड़े, इसलिए उन्होंने, मिस्टर लेम ने बोला माइंड द एप्पल्स। बात आप लोग को समझ में आ रही है, चलिए। डेरी बोलते, व्हाट हुज दैट, हुज देयर, अरे कौन है वहाँ, ठीक है, कौन था वहाँ पर। तो ये सारी बात डेरी बोलते हैं, मिस्टर लेम बोलते हैं, मिस्टर लेम्स क्या बोलते हैं, लेम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रेब एप्पल्स 2000। तो वो बोलते हैं मेरा नाम लेम है, और वो क्रेब एप्पल्स का मतलब रॉ एप्पल्स होते हैं जो कच्चे होते हैं, क्योंकि अभी वो पके नहीं हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं एप्पल को ध्यान से देखिए कहीं गिर ना जाओ आप एप्पल्स के ऊपर पैर रखकर, ठीक है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रेस, जो कि मतलब जो लंबी लंबी घास में हवा के झोंके से गिर पड़े हैं, ठीक है। तो डेरी बोलते हैं, डेरी क्या बोलता है, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। तो जो जिस गार्डन में वो आए हुए थे उन्हें लगा था डेरी को कि ये जो गार्डन है वो कैसा है, खाली गार्डन है, तो इसलिए उसने बोला मुझे लगा कि ये कोई खाली जगह है, आई डिडंट नो देर वॉज एनीबडी हियर, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई भी होगा। जैसे कि आपको बताया जा रहा है जो गार्डन है, गार्डन में कौन है, ओनली सिर्फ डेरी हैं और लेम हैं। लेम का वो घर ही है और वही उनका वो सीन है, ठीक है, वो पहला सीन, यानी कि वो अपने गार्डन में बैठते थे, उन्हें गार्डन में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन जो डेरी था उन्हें ये नहीं पता था इस गार्डन में कोई रहता है,
ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पर आए हुए थे। अब वो चुपके से दीवार को फांद कर आए हुए थे, ठीक है, तो इस वजह से वो चुपके से आए हुए थे अंदर। लेकिन उनका कोई मकसद ये नहीं था कि उनको कुछ एप्पल वगैरह चुराना था, वो बस यूं ही अंदर आए थे। देखते हैं, आगे बताते हैं। मिस्टर लेम क्या कहते हैं, दैट्स ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं यहीं हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट, अरे अरे कोई बात नहीं, तो तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें डरने की क्या बात है, ऑल राइट। तो डेरी बोलते हैं, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मुझे लगा था कि ये खाली है, एन एम्प्टी हाउस, मुझे लगा ये खाली घर है। तो मिस्टर लेम क्या बोलते, सो इट इज़, हाँ ये खाली तो है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब मैं गार्डन के बाहर होता हूँ तो इट इज़ एम्प्टी, इनका जो घर खाली रहता है, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक मेरा जो घर है खाली रहता है, ठीक है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लकली लाइकली टू स्टॉप, अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे नॉट अ डे टू बी इनडोर्स। तो मिस्टर लेम क्या बता रहे हैं, मिस्टर लेम बता रहे हैं कि हाँ ये जो घर है मेरा वो तो खाली है, क्योंकि जब मैं बाहर हूँ तो मेरा जो घर होगा वो तो खाली होगा, क्योंकि जब तक ये अंदर नहीं जाते तब तक वो खाली रहता है। और वो बताते हैं कि जो इतना प्यारा मौसम है और इस मौसम में जब मैं बाहर मैं अंदर कैसे रह सकता हूँ, उनका कहने का मतलब ये है क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो जो लेम थे, मिस्टर लेम थे, वो बोलते हैं ऐसे प्यारे से मौसम में हम अंदर कैसे रह सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो डेरी गुस्से में बोलते हैं, पैनिक में आकर, आप आई हैव गोट टू गो, मतलब वो बोलते हैं अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लेम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन। तो बोलते मुझे इसका बुरा नहीं लगता, मिस्टर लेम डेरी से बोलते हैं मुझे इसका बुरा नहीं लगता कि मेरे गार्डन में कौन आया, दैट्स अ गेट ऑलवेज ओपन। तो बोलते हैं दरवाज़ा है जो गेट वो तो खुला रहता है, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था कि आप दीवार फांद कर आए हैं, अच्छा होता आप गेट से आ जाते, क्योंकि गेट जो होता खुला रहता है। तो डेरी इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है यू आर वॉचिंग मी, अच्छा तो आप मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लिम बोलते आई सॉ यू, हाँ मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। तो मिस्टर लेम क्या बोलते हैं, हाँ मैंने आपको देखा था, लेकिन जब गेट खुला हुआ है तो सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सारे लोगों का स्वागत है, तो आपका भी स्वागत है, मैं यहाँ बैठता हूँ और मुझे बैठना पसंद है, ठीक है। डेरी क्या बोलते हैं, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो डेरी क्या बोलते हैं, मैं कुछ चुराने तो नहीं आया था यहाँ पर। तो मिस्टर लेम बोलते हैं नो द यंग लेड्स स्टील। तो उनका कहने का मतलब ये था, नहीं जो छोटे बच्चे होते हैं वो चोरी करते हैं, स्क्रम द एप्पल्स, ठीक है, जो एप्पल कुछ कच्चे एप्पल्स होते हैं उनको चुरा लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम अभी इतने ज़्यादा छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं मिस्टर लेम क्या कहना चाह रहे हैं, मिस्टर लेम को बताना चाह रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चोरी शायद कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए और आप बड़े हैं तो बड़े लोग ऐसा नहीं करते। तो डेरी क्या बोलता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। वो सिर्फ उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ गार्डन में आना चाहता था और कुछ नहीं। मिस्टर लेम सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो उन्होंने बोला अच्छा तो आप आ तो गए हो, देखो हम लोग यहाँ पर हैं। तो डेरी क्या बोलते हैं, यू डोंट नो हु एम आई। डेरी क्या बोलते हैं, मिस्टर लेम से बोलते हैं आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लेम अ बॉय 13 or so। मिस्टर लेम जवाब देते हैं कि आप एक लड़के जिनकी उम्र में भी 13 साल की हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती। तो डेरी बोलते 14। उसके बाद वो रुक जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो बोलते हैं जो डेरी होता है बोलते हैं मैं तो 14 ईयर्स का हूँ, और उसके बाद रुकने के बाद बोलते हैं अच्छा मुझे अब जाना है, और गुड बाय बोल के वो जाने लगते हैं। लेकिन मिस्टर लेम क्या बोलते हैं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, ठीक है, जस्ट मी। तो उन्होंने बोला अच्छा, अरे इसमें इतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ गार्डन है और मैं ही अकेला हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। डेरी बोलते बट आई एम नॉट अफ्रेड। तो बोलते हुए थोड़ा सा रुक कर बोलता, नहीं मैं डरा तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। रुक कर बोलते हैं पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं, मैं कहाँ डरता हूँ। तो मिस्टर लेम बोलते हैं ऐसा क्यों, वाई शुड दैट बी, ठीक है, तो आपसे लोग क्यों डरते हैं। तो डेरी बोलते हैं एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। तो यहाँ मिस्टर जो डेरी है, डेरी एक जो बच्चा है, वो बोलता है हर एक मुझसे डरता है, अब ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से मुझे देखते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से मुझे बहाना बनाकर मुझे देखते हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। तो मिस्टर लेम बोलते हैं अरे
सी वॉट मतलब देख क्या देख सकते हैं, तो डेरी बोलते हैं व्हाट दे थिंक जो वो सोचते हैं, मिस्टर लेम व्हाट डू दे थिंक देन अच्छा वो सोचते क्या हैं, अच्छा इतना तो बता दीजिए, तो डेरी बोलता है कि यू थिंक आपको लगता है, हियर इज़ अ बॉय यहाँ आपके सामने एक लड़का है, यू लुक एट मी आप मुझे देखते हैं, एंड देन यू सी माई फेस और फिर आप मेरे चेहरे को देखते हैं, एंड यू थिंक फिर आपको लगता है दैट्स द बैड ये बुरा है, दैट्स द टेरिबल थिंग एक बुरी सी चीज़ है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय आई एम नॉट पुअर अंडरनीथ यू आर अफ्रेड एनीबडी वुड बी आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। तो ये यहाँ बताने चाह रहे हैं डेरी हैं बताना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़का हूँ और कोई भी मुझे अगर आप मुझे देखते हैं ठीक है और आप फिर उसके बाद मेरे चेहरे को देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये बहुत बुरा है और बहुत बेकार चीज़ है भयानक चीज़ है। किसको वो किसको बोल रहा है भयानक, अपने आप को बोल रहा है, तो बोल रहे दैट्स द अगलीस्ट थिंग और जब आप मुझे देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ लगेगी और जो शायद ही आपने कभी देखी हो। आपको लगता है पुअर बॉय मैं कोई पुअर बंदा हूँ, आई एम नॉट मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड ठीक है, तो उन्हें लग रहा है डेरी बोलते हैं मिस्टर लेम से कि आपको डर लगता है, एनीबडी वुड बी हर कोई डरेगा आई एम क्योंकि मैं है हूँ ही ऐसा, जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लेम बोलते नो नॉट द होल ऑफ यू नॉट ऑफ यू, तो बोलते नहीं पूरे तो तुम बुरे नहीं हो लेकिन कुछ थोड़े बहुत, तो बोलते यस डैडी के बोलते यस, वो पॉज रुक जाता है। उसके बाद मिस्टर लेम बोलते हैं लेटर ऑन, तो लेटर ऑन क्या बोलते हैं जो मिस्टर लेम होते हैं वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं और बोलते हैं लेटर ऑन इसके बाद, व्हेन इट्स अ बिट कूलर जब थोड़ा सा जब ठंडक पड़ने लगेगी आई विल गेट द लेडर एंड स्टिक द स्टिक, वो बोलते हैं मैं लेडर लाऊंगा और स्टिक लाऊंगा यानी कि छड़ी लेकर आऊंगा, पुल डाउन दोज ग्रेप एप्पल्स और मैं उन मतलब एप्पल्स को तोड़ूंगा, दे आर राइप फॉर यू ठीक है वो तुम्हारे लिए ही पके हैं, आई मेक जेली और मैं इनकी जेली बनाऊंगा, इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर ये टाइम बढ़िया है इस साल का, सेप्टेम्बर चल रहा है और ये टाइम अच्छा है, लुक एट देम उनको देखो ऑरेंज एंड गोल्डन दैट्स मैजिक फ्रूट आई ऑफन से बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इन टू जेली यू कुड गिव मी अ हैंड। तो मिस्टर लेम बोलते हैं डेरी से कि ये जो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं लेडर लेकर आऊँगा स्टिक लेकर आऊँगा जो एप्पल से उनको तोड़ूंगा क्योंकि वो तुम्हारी लिए पक्के मैं उनकी जेली बनाऊँगा और ये बहुत अच्छा टाइम है सेप्टेम्बर का टाइम ठीक है, आप उनको देखो ऑरेंज और गोल्डन तरह के जो एप्पल्स हैं मैजिक फ्रूट्स कहलाते हैं ठीक है, और वो अक्सर ये कहते हैं कि वो अक्सर कहते हैं कि इनमें से जो कच्चे एप्पल्स हैं उनको छोड़ देता हूँ, जो बेस्ट अच्छे होते हैं पके हुए तो उनको मैं तोड़कर उनकी जेली बनाता हूँ और उसमें तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। कौन बोलता है? मिस्टर लेम बोलते हैं। ओके डेरी क्या आंसर देता है? व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तो डेरी उनसे बोलता है आपने सब्जेक्ट किस लिए चेंज कर दिया ठीक है, पीपल ऑलवेज डू दैट हमेशा लोग यही करते हैं, व्हाई डोंट यू आस्क मी व्हाई डू यू डू what they all do and pretend it isn't true and isn't there, तो डेरी बोलते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट किस लिए चेंज कर दिया, लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं ठीक है, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं उनको देखकर, and pretend it isn't true and isn't there ठीक है, in case I see you looking and mind and get upset I'll tell you you don't ask me because you are afraid to, तो डेरी बताना चाह रहे हैं यहाँ पर मिस्टर लेम को कि आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया क्योंकि आप मुझसे डर रहे हो, मेरे चेहरे को देखकर डर रहे हो ठीक है, और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं वो बहाना बनाते हैं और मेरे जब भी मेरी बात होती है तो वो अपना टॉपिक चेंज करके कोई और बात करने लगते हैं क्योंकि वो मुझसे डरते हैं क्योंकि आप भी मुझसे डर रहे हो, तो मिस्टर लेम बोलते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, तो मिस्टर लेम बोलते हैं अच्छा तो आप चाहते हो कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपके साथ हुआ क्या, चलो बताओ क्या हुआ तब, तो डेरी बोलते आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, तो बोलते मुझे किसी भी लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी, मिस्टर लेम बोलते आई शुड से टू लुक एट इट ठीक है, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर,
तो मिस्टर लेम बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें देखकर कि तुम शायद किसी आग से जल गए हो। तो डेरी बोलता है नॉट इन अ फायर, कोई आग से नहीं जलाऊँ। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। तो बोलते हैं कि इनके चेहरे पर जो था साइड फेस पर एक एसिड पड़ गया था जिससे ये इनका जो चेहरा था पूरा जल चुका है, ठीक है। और इट एट माय फेस अप, यानी कि इस एसिड ने इनके चेहरे को खा लिया है। इट एट मी अप, इसने और इसने डेरी को भी खा लिया है। किसने? एसिड ने। यहाँ पे बात हो रही है भी एसिड की। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, ठीक है। अब वो बता रहे हैं और अब जो इनका जो चेहरा है ना जो जल गया वो बिल्कुल ऐसा ही है और अब ये बिल्कुल भी इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो डेरी है यहाँ पर इसका जो चेहरा देख रहे हैं, ये जो चेहरा है इसका ये पूरा चेहरा जला हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे हो और यहाँ पर ये जितने भी ये एप्पल्स हैं, ठीक है, आप लोग ये सारे एप्पल्स देखिए दिख रहे हैं। तो ये रॉ मतलब क्रैब एप्पल्स कहलाते हैं। अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि इसका जो यहाँ पर अभी जो मिस्टर लैम है इनका जो पैर है ना ये भी क्या है बिल्कुल जला हुआ है, आई मीन जला नहीं टूट कट गया था, ठीक है। तो ये एक टीन का पैर पहने हुए हैं, तो ये भी अपने बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को इतना बात समझ में आ रही है कि क्या बात समझ में आ रही है कि जो डेरी हैं और मिस्टर लैम हैं, ठीक है, इनका सिर्फ और सिर्फ चेहरा जला हुआ है और इनका पैर टूटा हुआ है यानी कि कटा हुआ है। तो ये दोनों में एकदम क्वालिटी सेम आ रही है यानी कि दोनों एक ही प्रॉब्लम से हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं गाइस। मिस्टर लैम बोलते हैं नो, डेरी बोलते हैं अरंट यू इंटरेस्टेड। तो डेरी बोलते हैं क्या आपको इसमें इंटरेस्टेड नहीं है आप बिल्कुल भी। मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम एक लड़के हो जो कि गार्डन में आए हो। प्लेंटी, ठीक है, प्लेंटी डू आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। तो बोलते मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, हर एक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एनीथिंग किसी में भी। देर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। तो बोलते यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर ने बनाया और मैं उसमें इंटरेस्ट ना रखूँ। लुक ओवर देयर। तो बोलते वहाँ देखो ओवर बिसाइड द वॉर फार वॉल, उस बड़ी मतलब उस दूर दीवार को देखो, जो दूर एक दीवार है उसको देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या नज़र आता है। डेरी बोलता कचरा, रबिश, एक कचरा नज़र आता है। इसलिए बोलते रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। तो बोलते अच्छा सही से तो देखो वहाँ पर क्या नज़र आता है। तो डेरी बोलते जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। तो बोलते सिर्फ और सिर्फ घास और जंगली पौधे, स्टफ यानी कि वीड्स यानी कि जंगली पौधे होते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उनको जंगली पौधे बोलते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो, देन अ वीड गार्डन, या तुम इसको एक जंगली पौधों का गार्डन समझ लो, ठीक है। दैट देर इज़ देर फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स, की हालांकि वहाँ पर फ्रूट भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, वहाँ पर पेड़ भी हैं और वहाँ पर हर्ब्स भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, ऑल सॉर्ट सारा कुछ है। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन आपको नज़र क्या आया, सिर्फ और सिर्फ वीड्स। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ जंगली पौधे भी उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर्स। तो ये बोल रहे हैं कि उनमें से एक हमने ग्रीन प्लांट क्यों बोला है और एक को फ्लावर क्यों बोला है। तो वेयर इज़ द डिफरेंस। तो ये बोल रहे डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तो बोल रहे जिस तरह से जंगली पौधे उगते हैं और जिस तरह से फ्रूट्स वगैरह हैं और जो घास है जिस तरह से वो उगते हैं, उनका सिस्टम एक ही है, उनमें भी जान होती है जिस तरह से तुम में और हम में। तो डेरी बोलते वी आर नॉट द सेम। तो उन्होंने बोला हम सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम बोलते आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टीन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बोलते हैं तुम देखो मैं वो बोलते मिस्टर लैम क्या बोलते मैं बूढ़ा हूँ और तुम कौन हो, तुम एक यंग एक जवान लड़के हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हें एक तुम्हारा एक जला हुआ चेहरा है और उनकी क्या है, उनकी एक टीन का लेग लगा हुआ है। नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस, हम लोग में डिफरेंस क्या है यहाँ पर। तो डेरी बोलता व्हाई हैव यू गॉट अ टीन लेग। तो आप उन्होंने बोला तुम्हें टीन लेग कैसे आ गई आपको। डेरी ने क्या बोला व्हाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, आपको टीन लेग कैसे लगा। तो मिस्टर लैम बोलते रियल वन गॉट ब्लोन अवे। उन्होंने बोला जो इनका रियल लेग था जो पैर था वो उड़ गया, ब्लोन अवे का मतलब उड़ गया यानी कि कट गया।
ईयर्स बैक, कई सालों पहले, तो लेमी लेम सम किट से, तो अब इनको कौन बोलते हैं, लेमी लेम, एक लंगड़ा लेम बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इनका नाम लेम है, तो इनको सारे बच्चे किस नाम से पुकारते हैं, लेमी लेम के नाम से। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने कभी सुना नहीं है, यू विल, आप सुनोगे, लेमी लेम, ठीक है, लेमी लेम, इट्स इट फिट्स, डजेंट ट्रबल मी, और वो बोलते हैं हाँ ये फिट्स करता है लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता कि मुझसे कोई ये बोले लेमी लेम, ठीक है। तो डेरी बोलते बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, ठीक है। तो डेरी क्या बोलते हैं, लेकिन आप ट्राउजर पहन सकते हो, ट्राउजर से उसको कवर कर सकते हो, तो कोई देख भी नहीं पाएगा, ठीक है। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेट, जब कोई देखेगा नहीं तो कोई घूरेगा भी नहीं, ठीक है। तो मिस्टर लेम क्या बोलते हैं, सम डू, कुछ लोग तो यही करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, जब वो कहते कहते थक जाते हैं, इन द एंड आखिर में देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, तो बोलते जब वो आखिर में कहते कहते थक जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में यहाँ पर गार्डन में देखने के लिए, लाइक माई फेस, तो डेरी बोलता जैसा कि मेरा फेस, तो मिस्टर लेम बोलते हैं लाइक क्रेप्स एप्पल्स और द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर ऑल और माई टॉल सन फ्लावर्स, तो ये सारी चीज़ें मिस्टर लेम बताते हैं कि जो लोग मुझे देखकर चिढ़ाते हैं या मेरा नाम बिगाड़ते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें घूरने के लिए, वो उस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे टीन के पेड़ को देखकर मुझे चिढ़ाने लगते हैं। तो वो क्या क्या उनके गार्डन में है, तो बोलते हैं मिस्टर लेम बोलते हैं लोग इनको भी तो देख सकते हैं, जैसे क्रेप एप्पल्स हो गए, इनको देख लीजिए, जंगली पौधों को देख लीजिए, स्पाइडर को देख लीजिए जो कि सिल्की लेडर पे चलता है, ठीक है, और मेरे जो बड़े बड़े लंबे लंबे सन फ्लावर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो डेरी बोलता है थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं मिस्टर लेम, इट्स ऑल रिलेटिव, तो बोल रहे ये सारी उसी से रिलेटेड है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे मिस्टर लेम खुद ही, क्योंकि ये एक चैप्टर है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है, जिसके बारे में पता रहता है कि एक लड़की होती है, एक जानवर होता है, तो वो उसको शायद दे फॉल इन लव, और उसके बाद जो बीस्ट होता है वो एकदम एक इंसान में बदल जाता है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आगे। व्हाट दैट सपोज टू मीन, तो जो डेरी होता है वो मिस्टर लेम से पूछता है ब्यूटी एंड बीस्ट का मतलब क्या है, मिस्टर लेम यू टेल मी, तो मिस्टर लेम बोलते हैं अच्छा आप ही बताओ, तो डेरी को पता होता है सारा कुछ, वो क्या बोलते हैं यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, ठीक है, यू नीडंट थिंक, आपको आवश्यकता नहीं है, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि आपको इतनी आवश्यकता, इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों ने मुझे इसके बारे में पहले ही से बताया होगा, फेरी और स्टोरी के बारे में। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, वो बोलते हैं ये ऐसा नहीं कि जो आप दिखते हो, इट्स वॉट यू आर इनसाइड, ठीक है, इसका मतलब ये वो है जो आप अंदर से दिखते हो, ठीक है, बाहरी दिखावा अलग होता है, जो अंदर से दिखते हो वो चीज़ एक्चुअली होती है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, ठीक है, हैंडसम वही होता है जो हैंडसम वाले काम करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तो एक ब्यूटी एक लड़की होती है, तो बताता है वो हैरी को सारा, डेरी को सारा कुछ पता होता है, बोलता है ब्यूटी एक लड़की होती है, ठीक है, और वो मॉन्स्ट्रस जो बीस्ट होता है उसको वो प्यार करने लगती है, और जब वो उसको किस करती है तो क्या होता है, जो मॉन्स्ट्रस जो बीस्ट होता है वो बदल जाता है एक हैंडसम प्रिंस में। आप लोग इसकी मूवी भी देख सकते हैं, बीस्ट एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट एक मूवी है, तो सेम कंडीशन उसमें यही होती है। ओनली ही वुडंट ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, ठीक है, तो बता रहे कि वो क्या होता है, जो बीस्ट होता है वो किस में बदल जाता है, प्रिंस में बदल जाता है, ठीक है, और यहाँ बता रहे ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, और उसके बाद वो ज़्यादा मॉन्स्ट्रस बीस्ट नहीं रहता है। आई वॉन्ट चेंज, वो बोलते लेकिन मैं नहीं बदलूँगा, कौन बोलता है, डेरी बोलते हैं, मिस्टर लेम बोलते हैं इन दैट वे, उसी तरह से, नो यू वॉन्ट, वो बोलते हैं हाँ तुम तो नहीं बदलोगे, डेरी क्या बोलते हैं एंड नो वन विल किस मी, और कोई लड़की ने कोई किस भी नहीं करने वाली है कभी, ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मम्मा के अलावा, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस,
और मेरी जो मदर है वो क्या करती है, अदर साइड को किस करती हैं, अगर उन्हें प्यार करना होता है बच्चों को तो वो उस अदर साइड को किस करती हैं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं मुझे पसंद नहीं कि इसकी जो मदर उस मतलब किस करें उनको। शी डज़ इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी उन्हें करना पड़ता है। क्यों कि एक्चुअली हम लोग बात करें मदर की, तो मदर तो अपने बच्चे को चाहे जैसा भी बच्चा वो तो प्यार करती ही है, ठीक है, चाहे उसका बच्चा डीफ हो, चाहे वो जी व्हील चेयर पर बैठता हो, चाहे वो किसी भी तरह की हैंडीकैप बंदा हो, तो वो तो मदर होती प्यार करती है। लेकिन ये बच्चा यहाँ पर डेरी बोल रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं कि मेरी माँ इस तरह से मुझे प्यार करे, क्योंकि जले हुए जगह पर किस नहीं कर सकती, उसका मतलब ये है कि उसकी माँ उसको शायद प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वाई शुड आई लाइक दैट, ठीक है, तो आई डोंट केयर इफ़ नोबडी एवर किसेस मी, तो वो बोलता है, लड़का बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं अगर कोई मुझे कभी भी किस ना करे, ठीक है, उसे कोई परवाह नहीं। मिस्टर लेम क्या बोलते हैं, बट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, ठीक है, लेकिन तुम्हें केयर करनी पड़ेगी अगर तुम किसी को किस नहीं करते। तो डेरी बोलता क्या, मिस्टर लेम बोलते गर्ल्स, आई थिंक गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव, तो बोलते हैं गर्ल्स अगर जैसे लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ खूबसूरत लड़कियाँ होंगी जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, बड़ी बड़ी आँखें होंगी, पीपल यू लव, जिनको तुम प्यार करते हो, ठीक है। डेरी हु हैड लेट मी नॉट वन, तो बोलते अरे कौन मुझे किस करने देगा, कोई भी किस नहीं करने देगा। मिस्टर लेम हु कैन टेल, ठीक है, हु कैन टेल, मिस्टर बोलते हैं, तो मतलब हु कैन टेल का मतलब यहाँ मतलब होता है कि कौन बता सकता है, कौन कह सकता है ना। तो डेरी बोलते आई वॉन्ट टू एवर लुक डिफरेंट, तो बोलते मैं शायद अलग नहीं लगूंगा कभी, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, मैं जब आपके जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा, आई लुक द सेम, मैं बिल्कुल आपके जैसा लगूंगा, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ फेस, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा और आपकी तरह लगूंगा तब भी मेरा जो चेहरा ही होगा बिल्कुल आपके ही तरह, मतलब मेरा चेहरा बिल्कुल अभी भी वैसा ही होगा जितनी एज में आप पहुँच गए हो, मेरा वैसे ही चेहरा होगा, ठीक है। अब यहाँ चेहरा होने का मतलब ये हो गया कि वो चाहे जितना बूढ़ा हो जाए उसका चेहरा वैसा ही के वैसा रहेगा, ठीक है। मिस्टर लेम के बोलते हैं सो यू विल, हाँ ये तो रहेगा, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन जो चेहरा है दुनिया का वो चेहरा दुनिया का नहीं रहेगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, जो संसार का जो चेहरा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वो ना बदला था और ना बदलेगा। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, ठीक है, और जो वर्ड्स जो दुनिया है, दुनिया तो तुम्हें उसी नज़र से देखेगी। डेरी बोलता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, तो डेरी क्या बोलता है कि आपको लगता है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं ये दुनिया है, दिस ओल्ड गार्डन, ये एक छोटा सा मतलब एक पुराना सा गार्डन, ये आपका एक दुनिया है। तो मिस्टर लेम बोलते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, सिर्फ यही नहीं बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर, वो ये बता रहे हैं कि मतलब नॉट ओनली वन, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो गार्डन है ये उनका संसार है, ठीक है, ये क्या है उनका संसार है, सिर्फ एक ही नहीं, जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं तो वहाँ वो पूरे इनका संसार ही कहलाता है, ठीक है। डेरी बोलता है डज योर लेग हर्ट यू, तो डेरी क्या बोलता है क्या तुम्हारा आपका जो पैर है वो आपको हर्ट करता है। मिस्टर लेम टीन डजन हर्ट बॉय, तो मिस्टर लेम बोलते हैं नहीं टीन तो कभी दर्द नहीं देते, हाँ अगर मेरे रियल उनका रियल का पैर होता तो शायद वो दर्द करता। तो डेरी बोलते व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, ठीक है, तो वो बोलने लगे कि जब आपका ये पैर हटा था तब तो शायद आपको हुआ होगा। तो मिस्टर लेम बोलते सर्टेनली सर्टेनली, हाँ ज़रूरी, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जब टीन को आप निकालते हो तो शायद दर्द तो होता होगा। तो बोलते हाँ सचमुच होता तो है। डेरी बोलता है एंड नाउ, और अब आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स, वो तो बोलते हैं और अब मेरा मतलब ये है कि जब आपका जो टीन है जो स्टॉप होता है एट द टॉप, आखिर में जहाँ तक कटा हुआ है वहाँ तक जब आपका ये टीन वहाँ पहुँचता होगा और रुकता होगा वहाँ पर, तो शायद दर्द होता होगा। मिस्टर लिम बोलते हैं नॉट नाउ एंड देन, कभी कभार इन वेट वेदर, मतलब बारिश के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, ठीक है, और इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। तो डेरी बोलते ओह That's something as they all say. तो यहाँ they all say का मतलब ये होता है कि बाहर के लोगों ने इनसे कुछ कहा होगा, क्या कहा होगा, Look at all those people who are in pain and brave and
नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। तो बाहर के जो लोग होते होंगे इनसे डेरी से बोलते होंगे कि आप उन लोगों को देखो जिनके पैर नहीं हैं, जिनका पैर कटा हुआ है, जिनके कान नहीं है, जिनके आँख नहीं है, ठीक है, जो बोल नहीं पाते हैं, उन सबको देखो। लेकिन वो सब अपनी ज़िंदगी बड़े बहादुर होकर बिता रहे हैं। वो कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते, और ना ही वो अपने लिए सॉरी फील करते कि उन्हें भगवान ने ऐसा बनाया, लेकिन वो ठीक शुक्रगुजार करते हैं। मिस्टर लेम बोलते हैं, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो डेरी बोलते एंड डेरी उनकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बात करने लगते हैं, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। और इनसे जो बाहर के लोग हैं, डेरी से बाहर के लोग बोलते हैं कि उन लोगों को देखो जिनकी कंडीशन तुमसे भी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो अगर तुम अंधे हो गए होते, या आप डीफ पैदा हुए होते, ठीक है, या आपको व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती, ठीक है, और बी ड्रैफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या तुम अपने सिर से पागल हो जाते और तुम्हारी लार चूने लगती। तो ये सारी बातें बाहर के लोग इनको बताते हैं, ठीक है, क्या ये सारी बात ध्यान रखना। तो मिस्टर लेम बोलते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू, मिस्टर लेम बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, एंड यू नो इट, और तुम्हें सिर्फ पता है। इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डेरी बोलता है ये मेरा चलो लेकिन इन सबसे मेरा चेहरा तो नहीं बदल सकता। डू यू नो वन डे, आपको पता है एक दिन क्या हुआ, एक औरत मेरे बगल से रास्ते से निकली, और आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और वो किसी और औरत के साथ थी। तो वो क्या करती है, वो मुझे देखती है और अपने एक औरत होती है उससे विस्पर करते हुए बोलती है कि और जिसको मैंने ही सुना था, क्या कहती है वो बोलती है देखो इस लड़के को देखो, कितना बुरा, कितना टेरिबल चीज़ है ये, और इसका चेहरा, इसकी मदर ही इसको प्यार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो ये बात तो जब उस औरत ने डेरी से बोली थी तो डेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। मिस्टर लेम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो मिस्टर लेम बोलते हैं अच्छा तो हर उस चीज़ पर तुम विश्वास करते हो जो तुम्हें सुनाई देती है, ठीक है। तो डेरी बोलते हैं इट वॉज क्रूअल, ये बहुत ज़्यादा निर्दयी है। तो गाइस ये चैप्टर आज इतना ही रहने देते हैं, और इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे और भी जो वीडियोस हम अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।